राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि एक साल में ही दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वर्ष से कम समय में ही एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे तथा उन्हें पॉजिटिव पाया गया है और वैसे उनकी तबीयत ठीक है। कुछ दिनों पूर्व ही उनके पुत्र वैभव गहलोत भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद शिवम को अलग थलग नहीं किया और आज दोपहर ही उन्होंने पंजाब को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे छींक और खांस रहे थे और उन्होंने वहां एकत्रित सभी पत्रकारों के समक्ष दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे इस वायरस को एक्सपोज कर दिया। अशोक गहलोत 29 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद गत वर्ष ही अपने हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज के कारण उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई थी। आज किए अपने संकलाबद्ध ट्वीट में उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि हार्ट की समस्या और धमनियों में ब्लॉकेज का कारण कोरोना ही था, जो उन्हें गत वर्ष की शुरुआत में हुआ था। मजेदार बात यह है कि अशोक गहलोत ने पहली बार कोरोना पॉजिटिव आने से पूर्व ही सावधानी बरतते हुए शिवम को मुख्यमंत्री आवास में आइसोलेट कर लिया था ताकि वे कोरोना की चपेट में न आ सके। तब उन्होंने दावा किया था कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर है। सत्ता के इन 3 वर्षों में लगभग 2 वर्ष तो उन्होंने शिवम को जनता से दूर ही रखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।